ईडी आज रिया से दूसरे दौर की पूछताछ करेगा। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया अपने घर से निकल चुके हैं दफ्तर तक पहुंचने के लिए। उधर संजय राउत फिर बिहार सरकार पर गरज रहे हैं। उनका यह आरोप है कि दबाव में आकर काम कर रही है बिहार की पुलिस और ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। बट कथा वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की और 40 साल 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कौन है? केवल जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड के मामला में जो अधिकारी बाहर से आ रहा है उसको क्वारंटीन कर रहे हैं, साफ मनसा साफ झलकता है कि दाल में कुछ काला है। सीबीआई जांच होने दीजिए, बड़े बड़े लोगों का बेनकाब इसमें होंगे। रिया को अच्छी दीदी ने बुलाया है। निश्चित तौर पर देखिए जांच का एक दायरा होता है, उस जांच में ईडी बुलाए सीबीआई जांच करे तो उनका मामला है।